वो लोग जो तुम्हारे दिमाग में भर रहे हैं कि महिलाओं को हीन भावना से देखा जाता है, इसलिए सनातन संस्कृति में महिलाओं का मंदिर और रसोई में जाना निषेध है, जबकि है इसके बिल्कुल विपरीत। प्राचीन काल में महिलाओं का मुख्य कार्य रसोई और मंदिर संभालने का ही हुआ करता था। इस ब्लीडिंग की अवस्था में उन्हें आराम दिया जाए, उन पर एक्स्ट्रा काम न डाला जाए, इसलिए प्रावधान बनाया गया कि इस अवस्था में आप विश्राम करें। आपको डांस क्लासेस के लिए भी तो मना किया जाता है ना, आपको योग साधना के लिए भी कहा जाता है कि नहीं, फर्स्ट 3 डेज यू शुड टेक रेस्ट। आप कहेंगे कि नहीं, योग वाले भी बायस हैं, नृत्य वाले भी बायस हैं। साफ सी बात है, अगर आप ब्लड डोनेट भी करते हैं तब भी कहा जाता है 3 दिन आराम करिए। यहाँ तो आप थ्रू आउट ब्लीड कर रहे हैं 24 घंटा। फिर इसके अलावा समय, देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार भी कुछ नियम बनाए गए। पहले ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करता था और महिलाओं को मंदिर के लिए जंगलों से होकर के आउटर में हुआ करते थे मंदिर। और जब आप आउटर में जाते हैं, जंगलों से होकर के जाते हैं, तो रक्त की सुगंध से जंगली जानवर हमला कर सकते थे, इसलिए भी ये प्रावधान बनाया गया कि नहीं, इस अवधि में आप मंदिर में मत जाएं। फिर पंचप्राण की शक्ति को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जब आप पीरियड्स के दौरान होते हैं तो आपकी एनर्जीज डाउनवर्ड होती है, लेकिन जब भी कोई आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज अपवर्ड होंगी। और ये एनर्जी का जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये हमारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। पीरियड्स के समय को अपवित्र नहीं, सबसे पवित्र माना जाता है। इस वक्त आपका वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस हो जाते हैं। हमारी मातृशक्ति ने तो एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपके पीरियड्स हो जाते हैं, उसके बाद आपके पिंपल्स दूर हो जाते हैं, बॉडी लाइट फील करने लगती है। इसीलिए रेस्ट का प्रावधान है कि इन 3 दिन आप विश्राम करें, एनर्जीज का कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, जिससे वात, पित्त, कफ आपका बैलेंस हो। पीरियड्स के दिनों को अपवित्र माना जाता है, तो आज भी हमारे देश के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बच्चियों के पीरियड्स के पहले कपड़े को सहेज करके रखा जाता है आजीवन एक पवित्र याद के तौर पर। तो ये भ्रम बिल्कुल मत रखना कि हमारे देश में, हमारी सनातन संस्कृति में महिलाओं के किसी भी पहलू को अपवित्र माना जाता हो। और यदि कोई ऐसा है जो आपको ऐसा कहता है, तो उसे बताइए कि ये गलत है।